नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की अनसुलझी कहानी पर जो फिल्म तैयार हुई है न्याय, उसके साथ बहुत खूबसूरत सा न्याय हो गया है। अब ये फिल्म अपने निर्धारित समय पे ही रिलीज होगी, क्योंकि इस फिल्म को 11 जून को रिलीज होना था, लेकिन सुशांत के पिता ने इस न्यायिक फिल्म के साथ न्याय न करते हुए वो कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि उनके बेटे की जिंदगी को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। इसके बाद जो न्याय द जस्टिस के डायरेक्टर थे वो भी कोर्ट में पहुंचते हैं, उन्होंने इसकी बकायदा पूरी पैरवी की और आज यानी कि अभी अभी कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि ये फिल्म अपने निर्धारित तारीख पर ही रिलीज होगी। आप देखिए कि और बहुत बड़ी जीत है, ये जीत हमारी नहीं बल्कि सभी फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की है जिन्होंने बड़ी मेहनत से समाज को दिशा देने के लिए ऐसी फिल्मों का निर्माण किया था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका की वजह से कार्य बाधित हुआ। ये याचिकाएं चली, कार मैराथन सुनवाई हुई, दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर सुनवाई की, लेकिन आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि सारी फिल्में समय पर रिलीज होंगी और जो भी अंडरवर हाईकोर्ट का ऑर्डर है, आदेश है, हम उसकी पालना करेंगे और जो भी उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर है फिल्म शशांक को और जस्टिस है, न्याय है, सुसाइडल है, जितनी फिल्में हैं जिनके ऊपर केस पड़े थे वो सभी समय पर रिलीज होंगी, प्रॉपर गाइडलाइन के अनुसार रिलीज होंगी। और इसमें से इन फिल्मों से मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इन फिल्मों से समाज को दिशा मिलने का काम होगा। इन फिल्मों से समाज युवाओं को हमारे जो आत्महत्या की तरफ चले जा रहे हैं, आत्महत्याओं की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ बढ़ेंगे और नशा से भी दूर होंगे, क्योंकि आपने इस केस के बाद देखा मुंबई फिल्म नगरी किस तरह से नशे की गिरफ्त में थी, उन सबसे बचत के लिए अवसर मिलेगा और ये फिल्में जो रिलीज होंगी समय पर, इनसे सभी को, हमारे युवाओं को समय पर दिशा भी मिलेगी और सही प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि फिल्म निर्माण का सबसे बड़ा अर्थ होता है, चाहे वो फिक्शन पे आधारित हो, चाहे क्रिएटिविटी पे आधारित हो, लेकिन नकारात्मकता को हटाना है, सकारात्मकता को लाना है। जब सकारात्मकता जीवन में फिल्मों के द्वारा आती है, नायक और नायिकाओं के द्वारा आती है, तो निश्चित तौर पर जीवन में बदलाव आता है, सुधार आता है, प्रेरणा मिलती है और ये सारी फिल्में जीवन में सकारात्मकता देने वाली हैं। इसीलिए ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के संजीव नरूला साहब जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, आज हमारे सबके लिए नहीं देश के करोड़ों लोगों के लिए जो सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोअर्स थे, समर्थक थे, हीरो के रूप में उसको जानते थे, उनको भी बड़ी खुशी मिलेगी जब वो सारी फिल्में देखेंगे और देखने के बाद उन्हें मिलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत वास्तव में सच्चा हीरो था। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ या नहीं हुआ, या जो भी है, जो भी जिस तरह से आधारित है और वास्तव में जो मेहनत की गई थी लोगों ने, वो भी मेहनत सफल हुई है और सफल है। और इसी तरह से शशांक फिल्म, जबकि शशांक फिल्म का इस फिल्म से कोई बहुत ज्यादा लेन देन नहीं था सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से, लेकिन फिर भी वो नेपोटिज्म पर आधारित थी, भाई भतीजावाद पर आधारित थी, हार्ड वर्क था। हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी जो मुंबई फिल्म नगरी में स्थापित हुए हैं, आज स्थापित हैं, लेकिन स्थापित होने से पहले उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, बहुत अपने जीवन में झेला है, वो इन फिल्मों के द्वारा दर्शाया गया है और इसलिए बहुत बहुत बधाई सभी को माननीय। तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह अपनी जीत से बेहद खुश है। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की भूमिका में जुबेर नजर आएंगे, जबकि श्रेया और उनके ऑपोजिट में रिया चक्रवर्ती के किरदार में नजर आएंगे। फिल्मों में सुशांत के पिता के किरदार में असरानी नजर आ रहे हैं, फिल्म में सुशांत सिंह के पिता के रोल को बखूबी निभा रहे हैं और ये फिल्म कल यानी कि शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है। अब देखना ये है कि लॉकडाउन सभी जगह पे ऑलमोस्ट अनलॉक हो गया है और ये फिल्म किस तरीके से रिलीज होती है, क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल तो इसमें फॉलो किया ही जाएगा, जैसा कि पी सिंह साहब ने भी कहा। तो कल देखते हैं कि इसका कैसा रिलीज होता है और फिर इसके
फिल्म के रिव्यू पे हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।